बीजेपी वाले कह रहे लौड़ा है बीजेपी लौड़ा इस देंगे हमारी कसकट इधर इधर बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मोकामा विधानसभा से, जहां उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ने लगभग 17,000 वोटों से एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। नीलम देवी की इस जीत से मोकामा वासी के साथ साथ पूरे बिहार के लोग जो है वो खुश है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेल में रहते हुए अनंत सिंह की पत्नी जो है ये चुनाव नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और अनंत सिंह की पत्नी जो है नीलम देवी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और यह बता दिया है कि अनंत सिंह रहे या ना रहे, मोकामा में सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह का सिक्का चलेगा। और नीलम सिंह की जीत के साथ एक बार फिर से साबित हो गया कि कहीं ना कहीं नीलम सिंह के साथ साथ अनंत सिंह की यह बहुत बड़ी जीत है। लगभग 57,000 वोट जो है वो जो है बीजेपी के उम्मीदवार लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मिला और 76,000 वोट लगभग जो है वो कहीं ना कहीं नीलम सिंह जो है अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह जी को मिला। तो ये 16,000 और 17,000 की जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 17,000 वोटों से ये जो बड़ी जीत दर्ज की गई है ये अपने आप में इतिहास बन गया है। और ये पहली बार है कि अनंत सिंह जेल में थे और उनके जो है उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी ने इस बार ताल ठोका और दाव ठोका और जनता का प्यार और भरोसा इस बार कहां से उनको मिला कि उनकी जीत लगभग 16-17,000 वोटों से हो गई। बस ये बात साबित हो गई कि उनको टिकट अगर आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से नहीं मिलता फिर वो जो है अनंत सिंह का पड़ना जिस प्रकार से मोकामा में चलता है उनका सिक्का वो जीत में 4 चांद लगा देती है। बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? चुनाव कवरेज के दौरान हम लोगों को पता चला था कि वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि ये किसी पार्टी की जीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह की जीत होगी। और ऐसा चुनाव परिणाम आने के बाद यह साबित हो गया कि अनंत सिंह का सरकार मोकामा में फिर से एक बार अनंत सिंह का सरकार बन गया है। इसीलिए अनंत सिंह को छोटा सरकार कहा जाता है क्योंकि वो सच में अपने आप में एक सरकार चलाते हैं। किसी पार्टी किसी सिंबल पर वो चुनाव नहीं बल्कि अपनी मूंछ और अपने मुखौटे के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं बड़ी जीत यहाँ पर 17,000 वोटों से नीलम सिंह को मिली अनंत सिंह की पत्नी। वहां के लोगों ने एक डायलॉग बोला था, कोई आई कोई जाई एजा अनंत बाबू का सरकार बनाई। तो ये जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर माहौल था। और जब से पहले ही राउंड से नीलम सिंह की जिस प्रकार से बढ़त हो गई थी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता जा रहा था कि ये चुनाव जो है अनंत सिंह के झोली में गिरने वाला है और इस चुनाव में नीलम सिंह की बड़ी जीत होने वाली है। और इस जीत के साथ ही जो है कहीं ना कहीं मोकामा अपना फिर से ऐतिहासिक जीत को दोहराया है, अपने वर्चस्व को कायम किया है। और इसका जीत का श्रेय जो है नीलम सिंह उनकी अनंत सिंह की जो पत्नी है वो मोकामा वासियों को दे रही अपने समर्थकों को दे रही है और खुशी का लहर है। बस औपचारिक जो है घोषणा होना बाकी है, थोड़ी देर में सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा और उनके कार्यालय पर उनके आवास पर पटना आवास पर जो है इस वक्त दर्शकों का हुजूम देखा जा सकता है, समर्थकों का हुजूम देखा जा सकता है। 17,000 वोटों से यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। लगभग 20,000 लोगों के लिए कल से ही रसगुल्ला बन रहा था, लगभग 20,000 लोगों के लिए कल से भोज की व्यवस्था की जा रही थी। और इस जीत के बाद जो है कहीं ना कहीं पूरे मोकामा वासियों में खुशी का माहौल है। और पहले ही राउंड से जिस प्रकार से बढ़ोतरी मिल रही थी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस चुनाव में मोकामा उपचुनाव में जो है अनंत सिंह फिर से अपना दांव ठोककर आगे निकल गए हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।